तो बंधकों की रिहाई की उम्मीद लगाए परिजनों को आज बड़ी निराशा हाथ लगी है। इसलिए बड़ी खबर, ना युद्ध विराम ना बंधकों की रिहाई, क्योंकि रिहाई से जुड़ी तीन बड़ी खबरें अब आपको बताते हैं। जहां पहली बड़ी खबर, इजराइल के बंधकों की रिहाई वाली डील को लगा है बड़ा झटका। आज होने वाली बंधकों की रिहाई टलने की वजहों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह आई कि हमास के डील पर सस्पेंस के बाद रिहाई कल तक के लिए अब टाल दी गई है। रिहाई के महज 12 घंटे पहले बंधकों की रिहाई पर अब ये बड़ी खबर आई है। शुक्रवार को बंधकों की रिहाई हो सकती है। वहीं तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह कि बंधक रिहाई की शर्त से आईडीएफ भी अब नाराज है और नेतन्याहू के फैसले के विरोध में उतरी आईडीएफ का कहना है कि गाजा में सीज फायर उनकी हार के जैसा है। तीन एक्सप्लोसिव खबर आपको बताई। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई टल गई है। बंधकों की रिहाई आज नहीं होगी, नेतन्याहू के करीबी सूत्रों ने यह दावा किया है। आज नहीं हो सकेंगे बंधक रिहा। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तजाची हानेकबी ने यह दावा किया है। बंधकों की रिहाई अब कल होने की उम्मीद बताई जा रही है। हमास की ओर से डिटेल नहीं मिलने से देरी हुई है। और इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक को लेकर खबर यह है कि बैठक आज होने वाली है और बैठक में बंधक रिहाई डील पर चर्चा की संभावना है। हालांकि बंधक डील पर अभी भी सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन TV9 भारतवर्ष लगातार आपको ये एक्सक्लूसिव खबरें दिखा रहा है कि आखिर किस आधार पर बंधकों की डील को लेकर अभी तक की बैठकों में चर्चा होने के बाद आधिकारिक बयान सामने आने के बावजूद डील और रिहाई पर सस्पेंस बना हुआ है। और ये सबसे बड़ी खबर यही है कि बंधक डील पर सस्पेंस जिस तरीके से बना हुआ है, वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। और इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक की आज एक बड़ी खबर आई है। हालांकि इससे पहले भी जिस तरीके से बैठकों का दौर चला है उसकी तस्वीरें भी TV9 ने दिखाई और डील को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें भी आपको बताई।